हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, बच्चों क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज, यानी आधारभूत ज्योमेट्रीय अवधारणाएं इसको हम बोल सकते हैं। यहाँ पे ज्योमेट्री के जो बेसिक टर्म्स हैं वो हम यहाँ पे सीख रहे हैं बच्चों। और अभी तक देखिए जो चीज हम कर चुके हैं एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बिंदु क्या होता है सबको पता है? कोई पॉइंट अगर हम लगाते हैं अपने पेन या पेंसिल से तो इसको बिंदु बोलते हैं। जबकि रेखा होती है कोई लाइन जिसके दोनों तरफ एरो हो, मतलब भाई एरो इस तरफ भी हो इस तरफ भी हो और हम कोई ऐसे सीधी रेखा खींच दें, उसको बोलते हैं लाइन या फिर रेखा। ऐसा क्यों है? क्योंकि बच्चों लाइन का मतलब है ये दोनों एरो जो देख रहे हैं इसका मतलब है कि इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में आप कितना ही इसको बढ़ा सकते हैं। जबकि अगर मैं अंत बिंदु लगा दूं इस लाइन पे यहाँ पे तो ये हो जाती है रेखाखंड। और अगर मैं अंत बिंदु सिर्फ एक ही तरफ लगाऊं और दूसरी तरफ ही एरो रहने दूं तो ये हो जाती है किरण यानी रे। ये चीजें डिस्कस की हैं। ऊपर से जब लाइन की बात आती है तो लाइन होती है या तो इंटरसेक्टिंग, ठीक है, इंटरसेक्ट कर सकती है। और हमने सीखा है पैरेलल लाइंस के बारे में। कैसी लाइंस? पैरेलल यानी समांतर रेखाएं, ठीक है बच्चों, जो कभी ना मिले एक दूसरे से। तो ये कुछ चीजें हमने यहाँ पे सीखी थी जिसके आधार पे क्वेश्चंस कर रहे थे। अब यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स यहाँ पे आप करने वाले हैं। तो समझिए, क्वेश्चन को पढ़िए, नोट डाउन कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ लाइन एम एन, ठीक है, लाइन एम एन है, ठीक है, और जो ये संलग्न आकृति आपको दिख रही है इसको ध्यान से देखना है, इसको कंसिडर करना है आपको। एंड से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ द गिवन फिगर। और जो दी हुई आकृति है इसके कंटेक्स्ट में आपको बताना है कि ये जो नीचे दिए गए कथन है ये सत्य है या फिर असत्य है, ठीक है बच्चों। पहले इसको नोट डाउन कीजिए और एक बार इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए और बताइए कि कौन सा आप इसमें से खुद ब खुद कर पा रहे हैं, बता पा रहे हैं कि ट्रू है या फॉल्स है। एक बार नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो ठीक है बच्चों, यहां तक कोई डाउट नहीं है ना आपको? एक चीज और यहाँ पे आप करेक्ट कर लेंगे, ये एम एन जो है ये क्या है? ये लाइन है ना, एम एन लाइन है, इसीलिए इसके ऊपर हम दोनों एरो लगा देंगे ताकि आपको पहचानने में कोई दिक्कत ना हो। जो ये ओपी है ये लाइन सेगमेंट है, ये रे है, और ओ क्यू की जो बात हो रही है ये लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट के ऊपर क्या आएगा? लाइन सेगमेंट के ऊपर हम किसी तरफ भी एरो नहीं लगाएंगे, है ना, लेकिन जहां पे रे की बात हो रही है एक एंड पे एरो लगाएंगे हम सिर्फ, और जहां पे लाइन की बात हो रही है वो दोनों एंड्स पे आपके एरो लग जाएंगे, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट आपसे बोला गया है कि ए में है क्यू एम ओ एन पी, ये रहा क्यू ये रहा एम ओ एन पी, सभी क्या बिंदुओं आपको बिंदुएं दे दी हैं, आर पॉइंट्स, पॉइंट्स यानी बिंदु ऑन द लाइन एम एन। तो एम कहाँ है? ये है एम, ये है एन। बताइए कि क्या ये ट्रू है, क्या ये सत्य है? अगर मैं लाइन एम एन की बात करूं, देखिए मैं यहाँ पे अलग से एक लाइन बना लेता हूं एम एन, ठीक है। तो ये जितने भी पॉइंट्स आप देख पा रहे हैं क्यू एम ओ एन पी, है ना, ये सभी बिंदु लाइन एम एन पे हैं। क्या ये सत्य है या फिर असत्य है ये आपको बताना। तो एक चीज मैंने बताई थी, मान लीजिए
एम एन लाइन का नाम है, तो एम और एन तो इस पे आते ही हैं, है ना। मतलब ये और ये दोनों तो हो गए सत्य, ट्रू, ठीक है। फिर जो ओ है ये भी इसके बीच में आता है, मतलब इसमें भी कोई डाउट नहीं है, ये भी पॉइंट है इस लाइन का। लेकिन डाउट बच्चों को कहाँ होता है कि क्यू और पी ये तो इस तरफ आ गए, लेफ्ट और राइट की साइड, लेकिन जब कोई लाइन होती है ना, लाइन सेगमेंट की बात नहीं कर रहे हैं हम, लाइन की बात कर रहे हैं, तो उसको दोनों दिशाओं में कितना ही बढ़ाया जा सकता है। और जब इस लाइन को बढ़ाते हैं तो ये क्यू और पी भी इस पे फॉल होते हैं, दैट मीन्स ये ट्रू होना चाहिए, है ना। इस तरह से हम कर सकते हैं। तो बाकियों को भी आप फटाफट सॉल्व कीजिए और आंसर लिख लेंगे आप। ये तो हो गया ट्रू, ठीक है, बाकी भी ट्रू और फॉल्स लिखेंगे, ट्रू या फिर हिंदी में लिखेंगे तो सत्य और असत्य लिख सकते हैं, ठीक है, नो डाउट। तो ठीक है बच्चों, आगे इसको करेंगे हम, है ना। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है, ये लाइन एम एन है ना। लेकिन सेकंड पार्ट में बोला जा रहा है कि एम ओ एन आर पॉइंट्स ऑन अ लाइन सेगमेंट एम एन। तो एम एन रेखाखंड है मान लीजिए, है ना, एम एन रेखाखंड है, मतलब एम और एन इसके एंड पॉइंट्स हो गए, अंत बिंदु हो गए। तो अब आपको बोला जा रहा है M हो गया, O और N, ये तीनों ही इस लाइन सेगमेंट पे लाई करते हैं, बिल्कुल। M हो गया ये, O हो गया इसके बीच में, और N हो गया यहाँ, बिल्कुल सत्य है बच्चों, ट्रू है ये, क्योंकि ये तीनों ही इस पे लाई करते हैं, आप देख भी सकते हैं। लेकिन अगला क्वेश्चन देखिए, M एंड N आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट MN। तो एम एन यहाँ पे भी लाइन सेगमेंट की बात हो रही है, और बोला है कि एम और एन इसके अंत बिंदु हैं, बिल्कुल सही बात है। लाइन सेगमेंट जब एम एन है और एम और एन इसके अंत में है, तो ये अंत बिंदु होंगे, तो ये भी सत्य होगा, ट्रू होगा, ठीक है। अगला देखिए, ओ एंड एन आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट ओपी। अब रेखाखंड ओपी की बात हो रही है, लाइन सेगमेंट ओपी की बात हो रही है ना, और ओ और एन इसके एंड पॉइंट्स बोले जा रहे हैं। ओ कौन सा है, अब यहाँ पे ध्यान देंगे तो इसको हटा दें, ये हो गया ओ और ये हो गया पी। अगर एक लाइन सेगमेंट है तो इसका अंत बिंदु होना चाहिए पी, और एक अंत बिंदु होना चाहिए ओ, और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये तो बोल रहे हैं ओ एंड एन है इसके अंत बिंदु, लेकिन ओ और पी होने चाहिए, समझ गए, इसीलिए ये फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स यानी असत्य इसको बोलते हैं। इस तरह से देखिए बहुत सारे आप देख पा रहे हैं, इनको सबको आपको करना है हल। बस यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, ये क्यू पी है, रे ओ पी इज डिफरेंट फ्रॉम रे क्यू पी, है ना। तो फटाफट इसको आगे के जो पार्ट है उनको सॉल्व कीजिए।
तो ठीक है बच्चों, कर लिया सबने। अब देखिए आगे के जो पार्ट है सारे हम यहाँ पे करने वाले हैं कवर। नेक्स्ट पार्ट देखिए आपका कौन सा है, ई। ई में बोला गया है एम इज वन ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट ओ क्यू। तो रेखाखंड ओ क्यू के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। रेखाखंड ओ क्यू है, यहाँ पे देखिए ये हो गया O, ये हो गया Q, ये एक रेखाखंड है। तो इसके अंत बिंदु क्या होने चाहिए, O और Q होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि M एक अंत बिंदु है दो में से, जो कि असत्य हो जाता है या फिर फॉल्स हो जाता है। M इज पॉइंट ऑन रे OP, ये बोला गया है। तो इसको बताइए कि रे OP कौन सी है। O ये हो गया और P ये हो गया, है ना, OP। अब ये रे है, किरण है बच्चों, लाइन नहीं है। लाइन होती तो इस डायरेक्शन में बढ़ा सकते थे, उस डायरेक्शन में भी, लेकिन किरण को सिर्फ एक डायरेक्शन में बढ़ाएंगे और एक तरफ अंत बिंदु होता है। तो अंत बिंदु किस तरफ है, अगर आप देखेंगे तो ये ओपी है और एरो पी की तरफ है। तो मतलब इस तरफ तो एरो है और ओ पे अंत बिंदु लगेगा, मतलब इसको पी की डायरेक्शन में ही बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब बात आती है एम की, तो एम किस तरफ है, ओ से इस तरफ है। तो यहाँ ओ तो अंत बिंदु हो गया, इससे आगे तो ये आ नहीं सकती रे, इसलिए एम इस रे पे लाई नहीं करता, इसलिए दिस इज फॉल्स, ये असत्य है। अब बोला है रे ओपी इज डिफरेंट फ्रॉम रे क्यूपी। तो बिल्कुल ये होगा रे ओ पी, है ना, और ये हो गया क्यूपी। तो एक का अंत बिंदु ओ है, एक का अंत बिंदु क्यू है। तो बिल्कुल सही बोला है कि ये दोनों भिन्न हैं, अलग हैं। रे ओ पी इज सेम एज रे ओ एम, ये बोला गया है। अब देखिए रे ओ पी कहाँ पे है, ओ पी ये हो गया, है ना, और ओ एम ये हो गया, ठीक है। तो दोनों ही क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। रे पी रे ओ पी सेम एज रे ओ एम। अब देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, ये जो लास्ट के तीन पार्ट है, ये जो लास्ट के तीन पार्ट हैं एक जैसे से हैं, इनको आप थोड़ा सा ध्यान से खुद करने की कोशिश कीजिए। पहले में रे ओ पी सेम बताया है रे ओ एम के जैसे, दूसरे में बोला है रे ओ एम इज नॉट अपोजिट टू रे ओ पी, ठीक है। यहाँ पे बोल दिया कि रे ओ एम ओ पी के ऑपोजिट नहीं है। और तीसरे में बोला है ओ इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ एन पी एंड एन एम, ठीक है। एन पी और एन एम का स्टार्टिंग जो बिंदु है वो ओ नहीं है, ठीक है। तो ये एक जैसे से हैं, एक बार इनको भी आप सॉल्व करने की कोशिश करें। तो बच्चों क्या समझ में आया इसका, देखिए अगर यहाँ पे इसकी बात हो रही है, रे ओ पी सेम है रे ओ एम की तरह, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो ओ पी है वो इस डायरेक्शन में है जबकि ओ एम इस डायरेक्शन में है ना, इनके तो डायरेक्शन ही गलत होगी, सेम कैसे हो सकता है ना। तो सेम तो नहीं होगा, इसीलिए ये फॉल्स हो जाएगा, असत्य। अगला देखिए रे ओ एम इज नॉट अपोजिट टू रे ओ पी, कैसे, अभी तो हमने बात की थी कि रे ओ एम और ओ पी अपोजिट हैं, ये बोल रहे हैं नॉट अपोजिट, इसीलिए यहाँ पे भी फॉल्स हो जाएगा। ओ इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ एन पी एंड एन एम, बिल्कुल सही बात है, एन पी और एन एम का इनिशियल पॉइंट ओ नहीं है, है ना। यहाँ पे रे की बात हो रही है बच्चों, रे एन पी एंड एन एम, इनका इनिशियल पॉइंट क्या है, एन है, ना कि ओ, इसीलिए ये ट्रू हो जाए। नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन पूरा हो जाता है।
तो ठीक है बच्चों, अब देखिए एक टॉपिक है आपके सामने, सिंपल कर्व्स, ठीक है, इसको बोलेंगे सरल वक्र, ठीक है। सिंपल कर्व्स यानी सरल वक्र हो जाते हैं। तो सरल वक्र वो होते हैं जो भाई क्रॉस नहीं करते आपस में, जैसे सिंपल कर्व, अगर मैं इस तरह से बनाऊंगा तो ये सिंपल कर्व हो गया, है ना। और यहीं पे आते हैं ओपन कर्व और क्लोज्ड कर्व, ठीक है। तो क्या आ जाते हैं, एक तो ओपन कर्व, ओपन कर्व्स कौन से होते हैं जिनके एंड पॉइंट्स मीट नहीं करते, जैसे ये है, ये खुले हुए कर्व है और ये क्लोज्ड कर्व है, है ना, क्लोज्ड कर्व्स। तो क्लोज्ड कर्व्स कौन से हो गए भाई, जैसे हम बात करते हैं क्लोज्ड कर्व, ठीक है, क्लोज्ड कर्व हो गए। लेकिन भाई सरल वक्र नहीं होते, वो कौन से हैं जो सरल वक्र नहीं होते, तो अगर वो क्रॉस करते हैं एक दूसरे को, मतलब ये वक्र है बीच में कहीं क्रॉस कर गया, तो दिस इज नॉट अ सिंपल कर्व, ये सरल वक्र नहीं है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको, ठीक है, नॉट सिंपल कर्व, ठीक है, नोट इट डाउन। तो अब आप समझ गए हैं, अब क्वेश्चन लिखिए बच्चों, एक फाइंड ओपन कर्व्स एंड सेकंड है क्लोज्ड कर्व्स फ्रॉम द फिगर्स गिवन बिलो। भाई नीचे कुछ आकृतियां आपको दे दी जाएंगी और उनमें से ओपन और क्लोज कर्व्स आपको बताने हैं, ठीक है, तो चलिए बनाने की कोशिश करते हैं। ये कैसा कर्व होगा ये बताना है आपको, एंड ये कैसा कर्व है ये बताएंगे, ओपन है क्लोज है, ये ओपन है या क्लोज है,
ये ओपन है या क्लोज है ना। ये पांच आकृतियां आपको दी गई हैं, इनमें से आपको फाइंड आउट करने हैं कौन से क्लोज्ड कर्व हैं, कौन से ओपन कर्व हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे ओपन कर्व्स, है ना। ओपन कर्व्स कौन से हैं वो लिख देंगे, और उसके बाद जो क्लोज्ड कर्व्स हैं वो लिख देंगे। ठीक है, चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए और सॉल्व कीजिए। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए जो ओपन कर्व दिख रहे हैं वो देखिए इसके एंड पॉइंट दिख रहे हैं, जिसके एंड पॉइंट दिख रहे हैं वो ओपन कर्व हो गए। तो ओपन हो गए ए और ई, ये भी यहाँ पे एंड पॉइंट आप देख पा रहे हैं। जिसके एंड पॉइंट नहीं दिख रहे हैं जैसे बी, बी देखिए आपको अगर कहीं से भी यहां से शुरू कर लीजिए मान ले, तो वापस आके यहीं पे खत्म हो रहा है ये, तो ये क्लोज्ड कर्व हो गया। बी फिर सी एंड डी, ये सभी क्लोज्ड कर्व्स। ठीक है, बी सी एंड डी, इनमें आपको ओपन एंड्स नहीं दिखेंगे। तो इस तरह से आपको कर्व्स को फाइंड आउट करना है, फिगर आउट करना है कि ओपन कौन से हैं, क्लोज कौन से हैं। तो ये एक नया टॉपिक है जो इस चैप्टर में हमने सीखा है आज, अच्छे से इसको रिवाइज करके आए। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।